हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैन टू प्ले पावर्ड फैंटेसी मैच प्रीव्यू में। ये गेम होगा लैंकशायर और लेस्टरशायर के बीच, और है हमारे साथ आज निखिल भाई। हम डिस्कस करेंगे स्क्वाड्स, वेन्यू कंडीशंस, बेस टीम, ग्रैंड लीग ऑप्शंस और बहुत कुछ। तो एंड तक बने रहिएगा एंड ऑलवेज हिट द लाइक बटन। निखिल भाई, कैसे हो आप एंड क्या लगता है आपको आज के गेम पर? भाई सो फार सो गुड इन ब्लास्ट। डिसेंट गया गेम। काफ़ी खुश था मैं। एडम होस, टॉम टेलर 3 विकेट, होस का 50, ऐसा लगा भाई चलो किधर कुछ तो विजुअलाइजेशन चल रहा है। बट आपको पता है ब्लास्ट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट सेफेस्ट ऑप्शन। तो इन्वेस्टमेंट प्लीज केयरफुली मिली जेल्स में करो, क्योंकि द एम हैज़ टू बी कि 10 में से 2 गेम भी बहुत अच्छी गई तो इट शुड गिव यू इनफ रिटर्न्स। तो फॉर्म से मस्ती नहीं एंड वी कीप ट्राइंग। यस, तो यही नोट पे शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे वेन्यू कंडीशंस और स्क्वाड्स के साथ। तो ये रहे ग्राउंड डायमेंशंस, मे बी आपको साफ ना दिख पाए, बट एक तरफ है 73 मीटर्स, 85 मीटर्स, 74, 70 एंड कोई मेजर से ग्राउंड शॉर्ट नहीं है। अच्छा खासा ग्राउंड है, स्पिनर्स भी यहाँ पे प्ले में आते हैं जैसे हम सेकेंड इनिंग्स की तरफ जाते हैं, बट काफी ज्यादातर रन्स बनते हैं यहाँ पे एंड चेजिंग को थोड़ा बहुत एडवांटेज हो सकता है बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर उनके प्लेयर्स स्पिन अच्छा खेलते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी यहाँ लैंकशायर चेज करती है तो लिविंगस्टन एंड द लाइक्स चेज कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको स्पिन के खिलाफ उतनी तकलीफ नहीं होती वर्सेस द अदर लोकल प्लेयर्स। निखिल भाई, एनी एडिशनल थॉट्स ऑन हाउ यू फील अबाउट द पिच? हाँ देखो, स्टार्ट ऑफ द सीजन है तो थोड़ा आपको आगे पीछे देखना पड़ेगा। कल जो हुआ हैम्पशायर के साथ वो किसी भी टीम के साथ हो सकता है, तो दैट इज समथिंग टू कीप इन माइंड। बट अदरवाइज इट शुड बी अ गुड डे। एवरेज स्कोर अराउंड 160 का, 165 का भी चेज हो जाता है। स्पिन को मदद मिलती है स्पेशली वेल बॉलिंग सेकेंड, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के जय माता दी। जी बिल्कुल, तो शुरू करते हैं स्क्वाड्स के साथ। पहले देखेंगे लैंकशायर का स्क्वाड एंड यहाँ पे है लियम लिविंगस्टन, टॉम बेली, बेल, बोहानन क्रॉफ्ट। अब ये हैं जो टॉप ऑर्डर बनाते हैं इस टीम का। बेल को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में। बोहानन 50 ओवर्स में अच्छा करके आए हैं बट मे बी उन्हें भी जगह न मिले। क्रॉफ्ट तो इनके वेटरन खिलाड़ी हैं। कॉलिन डी ग्रेनोम जो लास्ट गेम खेल के आ रहे हैं। टॉम हार्टली लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जोन्स लैम वापस, आई थिंक यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि जगह किनको मिलेगी, क्योंकि साकिब महमूद भी जो इंग्लैंड के लिए काफी गेम्स खेल चुके हैं लास्ट मैच में नहीं आए। उसके अलावा है डैरिल मिचेल जो लास्ट गेम में पूरे ओवर्स करके आए थे, तो एक कैप्टेंसी ऑप्शन बन जाते हैं। पार्किंसन जो लास्ट गेम में खराब खेल के आए, बट अच्छी बात है खराब खेल के आए क्योंकि हमारे लिए डिफरेंशियल पिक बन जाते हैं। एंड उसके अलावा है फिलिप सॉल्ट जो आ रहे हैं दिल्ली दिल्ली से। डेन विलास जो वापस ये क्लब वेटरन है एंड अच्छी खासी बैटिंग करके देंगे। वेल्स एंड वुड जो दोनों लास्ट गेम में परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, वन विद द बैट एंड अदर विद द बॉल। बिल्कुल। तो अभी एक्चुअली सी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है एंड अगोस यूजुअली होता भी है लैंकशायर का, और होम पे एटलीस्ट आपको देखते हैं कि जो उनके हमेशा से लोकल्स हैं वो उन्होंने हमेशा से अच्छा करा है। तो कुछ कुछ गेम्स में आपको दिखता है कि जैसे पिछले गेम में लुकपुल वेल्स ने अच्छा किया, आपको बोयानन को भी जब उनको मौका मिलता है तो ही इज एबल टू पुट इन अ शो। सेम इज द केस विद क्रॉफ्ट एंड द अदर गाइस एज वेल। तो ऑप्शंस है काफ़ी, तो गुड गेम टू ट्राई मल्टी मल्टी विनर्स। यस एब्सोल्युटली, तो ये रही लैंकशायर की टीम एंड अब चलते हैं दूसरे स्क्वाड की तरफ, लेस्टरशायर का स्क्वाड। एंड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कॉलिन एकोमेन के साथ जो है नेदरलैंड ऑलराउंडर। ऑफ स्पिन भी डालते हैं रेहान अहमद जो है एक नोन लेग स्पिनर। सोल बडिंगर जो आए हैं नॉटिंगहैमशायर से। विल डेविस, माइकल फिनन, नॉट श्योर की इन्हें स्टार्टिंग में जगह मिलेगी। लुइस हिल जो है इनके मेन कीपर, बट हैरी स्विंडल्स है एक दूसरे ऑप्शन यहाँ पे जो लास्ट ईयर अच्छा खेले। उसके अलावा है एरन लिली जो है डाउन द ऑर्डर बिग हिटर प्लस ऑफ स्पिनर। वियान मुल्डर जो आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, वो है एक ऑलराउंडर। स्टार्टिंग में उन्हें अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है विद द बॉल एंड बैट के साथ एक स्टेबल ऑप्शन है। नसीम शाह पाकिस्तानी पेसर। कैलम पार्किंसन लेफ्ट आर्म स्पिनर। ऋषि पटेल और जो इनका डोमेस्टिक सीजन है वहां से अच्छा खेल कर आए हैं। टॉम स्क्रिवन, हैरी स्विंडल्स एंड निक वेल्श, तो ये रहा इनका स्क्वाड। निखिल भाई, एनी थॉट्स, एनी पंट पिक, डार्क हॉर्सेस इस साइड से? सर है तो काफ़ी बटल, क्योंकि पहला मैच है थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कि किसको किस ऑर्डर में स्टार्ट दे रहे और किसका कैसा रिसेंट फॉर्म है। तो ऑन पेपर तो आई फील लैंकशायर आर फार मोर इक्विप्ड, एटलीस्ट ऑन पेपर। तो की इंटरेस्ट, क्योंकि आपके कॉमन पिक्स सॉर्टेड, 4-5 प्लेयर, 3-4 प्लेयर तो डेफिनेटली लोगे। तो उसके अलावा मे बी आफ्टर द 11th मे बी यू कैन टेक अ पंट कॉल ऑन
किसका कैसा रोल है, क्योंकि विद नसीम ऑल्सो कमिंग इन आपको पता है ओवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वो भी देखना होगा। यस एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा आज का बेस टीम बनाने के हिसाब से। तो चलते हैं आज के बेस टीम की तरफ। एंड बेस टीम से पहले जरूर याद रखिएगा कि एक स्पेशल विनर टेक्स ऑल टिकट आपके लिए अब खुला है ऑन द क्वालिफायर टू मैच। आप जैसे साइन अप कर लोगे मेरे लिंक से आपको मिल जाएगा ये फ्री टिकट। 20 रुपीज की स्मॉल लीग है, 3 प्लेयर्स ही हैं एंड जो भी टॉप करते हैं उनमें से उनको मिल जाएगा 52 रुपीज का रियल कैश। तो आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, बस जाके खेलिए एंड पाइए मौका। एंड अब चलते हैं आज की टीम की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे सीधा कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पे फिल सॉल्ट एक काफी ऑब्वियस चॉइस बन जाते हैं। उसके अलावा जॉस बटलर भी है यहाँ पे, बट वो इस गेम में अवेलेबल नहीं है, वो 1 जून से अवेलेबल होंगे। हैरी स्विंडल्स एंड द अदर चॉइस हिल, या हिल, इवन डेन विलास इज एक्सपेक्टेड टू प्ले दिस गेम, सो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। हाँ, और देखो विलास का भी एंट्री पॉइंट आप देखो यूजुअली मिडिल ओवर्स होता है, कभी कभी ऊपर भी आते हैं, तो लाइनअप देख के आप ये सोचने के फिर पॉइंट लेना, क्योंकि बहुत बैटर थे जो आप लेना चाहोगे। लंकेश्वर की टीम ही ऐसी है कि यू विल नॉट वांट टू मिस आउट ऑन समवन, पर या इवेंचुअली विजुलाइजेशन को बैक करके गो। यस सबको तो नहीं ले सकते, तो वी आर गोइंग विद द इनफॉर्म गाइस। लूक वेल्स जो लास्ट गेम से अच्छे खासे रन बना के आ रहे हैं एंड लियम लिविंगस्टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे तो ऐसा ही रोल प्ले करेंगे कि पूरे ओवर भी डालेंगे, बैटिंग भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे करेंगे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। लियम कुड बी द हार्दिक पांड्या ऑफ लंकेश्वर। या वेरी मच एक्सपेक्टेड। एंड कमिंग यहाँ पे है आपके पास एक आध और अच्छी चॉइस, यू हैव इन द ऑलराउंडर्स आल्सो यू हैव एरन लिली, यहाँ पे भी आपके पास ऋषि पटेल है, बट ऑब्वियसली इट्स लैंकेशर्स होम ग्राउंड, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वही बेटर करके आएंगे ये पूरे सिनेरियो में, स्पेशली बिकॉज लैंकेशर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ ऑप्शंस दैट दे हैव। ऑलराउंडर्स में डैरिल मिचेल एंड कॉलिन डी ग्रेनो वापस न्यूजीलैंड के फ्रंट लाइन ऑलराउंडर्स है। रेहान अहमद जो अपकमिंग खिलाड़ी है, इनके अंडर 19 में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं एंड एक शार्प लेग स्पिनर है, हमें पता है कि यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में जो भी स्पिन डालते हैं उन्हें हेल्प तो मिलेगी। सेम फॉर कॉलिन एकमैन, ऑफ स्पिनर एंड मिडिल ऑर्डर बैटर एंड वीएन मुल्डर, जैसे मैंने बात किया कि अप फ्रंट अगर कुछ भी मूवमेंट रही ये वो कैपिटलाइज कर लेंगे एंड इनकी पहले बैटिंग भी आती है, तो ऐसे टाइप ऑफ प्लेयर है जो स्लो खेलेंगे बट हमें वो फैंटेसी के हिसाब से कुछ तकलीफ नहीं है जब तक वो डिसेंट रन बना रहे। यू कैन लुक बैक एट हाउ ही प्लेड इन द SA20, आपको थोड़ा हिंट आ जाएगा कि कैसे उनकी नॉक्स थी फॉर डबल सुपर जायंट्स। या होपफुली ही इज ओपनिंग द बैटिंग हियर आल्सो, सो एंड इफ लेस्टर पुट सुपर जायंट्स इन फ्रंट ऑफ देयर नेम टू। एंड कमिंग टू द बॉलिंग सेक्शन, यहां पे है लूक वुड वापस लास्ट गेम में अच्छा करके आ रहे हैं। नवीन उलक ये एक डमी पिक है क्योंकि करंटली नसीम शाह यहां पे दिखाई नहीं जा रहे, तो यहां पे आप नसीम शाह को पिक कर लेना नवीन उलक की जगह, जस्ट क्योंकि आई थिंक करंटली गेम पे वो स्क्वाड में लाइव नहीं है, थोड़ा लास्ट मिनट ऐड हुए थे तो करेंटली यहाँ पे है नहीं। एंड लास्ट पे के हमारे मैट पार्किंसन, जो जैसे मैंने कहा काफी खुश हूँ कि लास्ट गेम में कम परफॉर्मेंस करके आए, तो आज यहाँ चलेंगे तो किसी की टीम में नहीं होंगे बिल्कुल, बट अगर इवेंचुअली सब हमारा प्रीव्यू देख लेंगे तो सभी की टीम में होंगे पर स्टिल। एंड जब कैप्टन वाइस कैप्टन जो देखो तो काफी ऑब्वियस है लियम को रखना, मतलब इट्स अ नो ब्रेनर। और डैरिल मिचेल क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं तो अच्छे विकल्प हो जाते हैं। You could try Colin Ackerman as well, not a bad choice. Ian Mulder, especially if he's bowling first, जैसे हमने बात करी, movement से benefit कर सकते हैं, तो options काफी हैं, और even for risky options, you have Lockwood, Luke Wells, who did well in the last game as well. Yes, fair enough. तो ये रहे हमारे आज के picks. अब चलते हैं Grand League options की तरफ। Go for it, sir. तो ग्रैंड लीग ऑप्शंस तो जैसे हमने बात करी स्पिन को मदद मिलती है, मैं दोनों स्पिनर्स के साथ जा रहा हूँ, मैट पार्किंसन और रेहान अहमद। ऑफ कोर्स मैट फ्रॉम लैंकेशर एंड रेहान फ्रॉम द अदर साइड। रेहान के साथ थोड़ी बैटिंग वैल्यू भी है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि वो 30-40 मार दे, पर यूसेज मुझे उनका देखना है। ही हैज़ बीन सेंट अप द ऑर्डर एज वेल इंग्लैंड के साथ, आपने देखा था कहाँ पे बैटिंग करती है उन्होंने, तो यूसेज की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, पोटेंशियल है बहुत, और शार्प लेग स्पिनर जैसे विलियन भाई ने बोला, तो अगर सही टाइम पे बॉलिंग करी तो 2-3 विकेट दोनों लेके जा सकते हैं, मैट पार्किंसन भी और रेहान अहमद भी। तो मैं फॉर्म से मस्ती नहीं कर रहा हूँ, रेपुटेशन पे जा रहा हूँ, ग्राउंड की भी और प्लेयर की भी।
यस फेयर इनफ। एंड विद रेहान अहमद वन मोर थिंग टू वॉच आउट फॉर, अभी जो मुझे याद आ रहा है कि जब वो बॉलिंग करते हैं राइट हैंडर को भी, राइट हैंडर वो लेग स्पिनर के लिए खेल रहा होता है एंड उनकी जो गूगली है वो शार्प इंटर्न कर जाती है एंड उनका करेक्ट जो रिस्ट आर्म एक्शन भी है वो काफी क्विक है, तो कभी कभार पिक करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। सो विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर हिम। मेरे दो पिक्स इस गेम के लिए, एरन लिली फ्रॉम लेस्टर बेस टीम में नहीं है क्योंकि उनके मैचअप्स थोड़े बहुत खराब है, स्पेशली अगेंस्ट पार्किंसन को हाँ हम बैक कर रहे हैं इस गेम में, 3 बार आउट कर चुके हैं उन्हें। बट मुझे लगता है कि उनका जो टाइप ऑफ रोल है वो आके ऑफ स्पिन भी डालेंगे, नीचे डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी करेंगे, तो वाइल कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस ना बने बट फिर भी ड्रीम टीम में आने की पॉसिबिलिटी अच्छी रखते हैं। मतलब अगर मुझे स्क्वाड में 12th या 13th प्लेयर पिक करना होता तो वो क्लोज शॉट होते। एंड दूसरे पिक है टॉम हार्टली अगर वो सेकंड बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेस्टर में काफी राइट हैंडर्स हैं एंड टॉम हार्टली का इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो वो हिसाब से आई थिंक वो करेक्ट एक वैल्यूबल पिक रह सकते हैं कीपिंग कंडीशंस इन माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब देखो हम अपने विजुलाइजेशन के हिसाब से जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ वी एक्सपेक्ट द वेन्यू टू प्ले एंड हाउ वी एक्सपेक्ट द गेम टू गो। तो आप भी यही करो, प्लीज ऑलवेज बैक योर विजुलाइजेशन नो मैटर व्हाट वी से और डू, क्योंकि इवेंचुअली इट इज योर मनी एंड योर टाइप ऑफ गेम। तो यस प्लीज बैक योर विजुलाइजेशन। यस एब्सोल्युटली। तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू एंड जस्ट फॉर फन रिमेंबर टू प्रेडिक्ट इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है आज कितने रन बनाएंगे लियम लिविंगस्टन। एंड ये बार आप मल्टीपल एडिटेड सब कमेंट कर सकते हो क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ओनली फॉर फन है। एंड लाइक मार दो जल्दी से एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। प्लीज रिमेंबर लाइक ऑलवेज टू प्ले रिस्पॉन्सिबली क्योंकि गेम हैबिट फॉर्मिंग या फाइनेंशियली रिस्की हो सकता है, तो रिस्पॉन्सिबली खेलेगा एंड फ्री एंट्री तो दे ही दी थी, वहां आप रिस्पॉन्सिबली मत खेलो, वहां आप अपने हिसाब से टीम बना लो। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस, टेक केयर।